वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये देखो, ये वाली पिक देखो, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो भाई, हेयर मतलब कितना गंदा था, ठीक है ना। और यहाँ पे फेस तो भाई पूछो नहीं कि कितना गंदा था। और भाई फेस स्मूथ आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ एंड यहाँ पे करके दिखाया हूँ। और यहाँ पे आप लोग भाई देख ही सकते हो भाई, कितना हाई क्वालिटी में हमारा हेयर एडिटिंग हुआ एंड यहाँ पे फेस स्मूथ हुआ, ठीक है ना। और वो भी भाई बहुत कम समय में मैं आप लोगों को फेस स्मूथ एंड हेयर एडिटिंग करना सिखाया हूँ। कुछ इस टाइप से एडिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो, ये भी कलर है एंड ये भी कलर है, ठीक है ना। एंड भाई इसका मतलब ये देखो भाई, कितना गंदा लग रहा था, ठीक है ना। और भाई मैंने इसी को भाई एडिटिंग किया, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना गजब का लग रहा है, ठीक है ना। तो भाई आपको भी करना है तो भाई आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो भाई आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा सा वीडियो है भाई, स्किप करके क्या होगा, ठीक है ना। तो स्किप नहीं करने का, हम लोग चलते इसते वीडियो की ओर। ओके मेरी जान, तो चलते हैं। तो सो भाई लोग, इस पिक को भाई लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना, ठीक है ना भाई। 20 से 30 सेकंड का काम है ओनली, यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना, ठीक है ना। और भाई ये प्रीसेट है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके यहाँ पे आपको भाई कॉपी सेटिंग कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड भाई अपने ओरिजिन वाले पिक पे आ जाएंगे और इस 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, बिफोर एंड आफ्टर भाई कितना गजब का हो गया, ठीक है ना। और इतना करने के बाद भाई हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को भाई सेव कर लेते अपनी गैलरी में, ठीक है ना। एंड भाई सेव करने के बाद हम लोग सीधे यहाँ पे टूलबीज एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसका भी 20 से 30 सेकंड का काम है, ठीक है ना, 20 से 30 सेकंड का काम है ओनली। एंड भाई टूलबीज एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको 3-4, यहाँ पे आपको 5 को सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आपको मास्क पे क्लिक करके क्लीन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग फेस को, मतलब फेस पे नहीं अप्लाई करेंगे, हेयर पे एंड कपड़ा पे और हल्का हल्का बैकग्राउंड पे आप लोग कर सकते हो। बाकी तो भाई हम लोग आए यहाँ पे हेयर पे ही अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग हेयर पे अच्छा से अप्लाई कर लीजिएगा एंड यहाँ पे कपड़ा पे भी कर लेना एंड यहाँ पे वो पे भी आप लोगों को क्या करना भाई, अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद भाई हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को सेव कर लेते हैं अपने गैलरी में, ठीक है ना। बस इतना ही काम था बस। और आप लोगों को मैं भाई सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे फेस स्मूथ कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई इतना करने के बाद हम लोग अगेन लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। एंड भाई इसका भी मतलब 20 से 30 सेकंड का काम है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं जो जो बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको मतलब जो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना भाई, आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं करने आता, अगर आपको मतलब यहाँ पे नहीं सीख पाते हो वीडियो से, तो हल्का सा पीछे करके दोबारा देख लो, ठीक है ना। अगर इससे भी नहीं होता तो भाई मैं इसका भी एक प्रीसेट बना दूंगा, ठीक है ना। बस 1 क्लिक में हो जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग मतलब मैं जो जो कर रहा हूँ एंड आप लोग अगर सीख जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भाई ये बच्चा भी कर लेगा। अब बाकी बात अगर सीख पाओगे तो भाई मैं इसका एक प्रीसेट दे दूंगा, 2 प्रीसेट, इसका भी मतलब कॉपी करना, सीधे पेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो भाई मैं जो है ना आप लोगों को मतलब उतना परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ, मैं भी मतलब छोटा था, पहले एडिटिंग मुझे नहीं आता था, तो मैं भी मतलब ऐसे ही मतलब दिमाग ख़राब होता था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भी प्रीसेट बना दूंगा। अगर यहाँ से नहीं सीख पाते हो जो जो भाई, हल्का हल्का सा है, बस हल्का सा बढ़ाना आप लोग थोड़ा सा दिमाग, मतलब 20-30 सेकंड का काम है, ठीक है ना, समझ सकते हो भाई। अगर नहीं आता तो कोई नहीं भाई, मैं प्रीसेट में दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका भी बस सीधे कॉपी करना, पेस्ट कर देना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। ओके, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा, यहाँ पे कोई बात नहीं, प्रीसेट यहाँ पे मैं दे दूंगा अगर ये समझ में नहीं आया। एंड यहाँ पे क्या कर देना, ओके कर देना, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद आप लोग बस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो स्किप करते तो आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे ऐसा एडिटिंग भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते, शेयर कर लेते अपने पिक को, ओके। एंड भाई शेयर करने के बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, अब फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई फेस स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। एंड हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपको ये वाली ब्रश को सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और भाई इसका सेटिंग यहाँ पर देख सकते, तो भाई मैं कौन सा सेटिंग रख रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही सेटिंग रख लेना, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स हैं। एंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझ में नहीं आता है, एंड इसका भी ले लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग
ओ भाई भाई कितना साइज बड़ा हो गया, इसको कम कर लेते हैं। अरे भाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है ना। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम गजब का यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। एकदम देख सकते हो हाई क्वालिटी में भाई आप लोग कर लेना। और भाई फेस स्मूथ करने का भाई मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिए ना भाई, जूम करके अच्छा से अपने फेस को क्या करना, मतलब स्मूथ करना, ठीक है ना। राउंड राउंड आपको चलाना ब्रश को, और भाई एक ही जगह ब्रश को मतलब चलाते चलाते मतलब नहीं चलाना, ठीक है ना। मतलब एक ही जगह नहीं चलाना है, यहाँ ऐसे बार 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 घसे जा रहे ऐसा नहीं चलाना है, ठीक है ना। मतलब एक बार मतलब आपको मतलब अच्छा से कर लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना गजब का मतलब हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। एंड भाई आप लोग भी ऐसे अपना फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर मतलब छोड़ देते, ठीक है ना। एक सेटिंग आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक लेयर बना लेना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे मैं दूसरा ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लिप को रेड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पूरा कंटिन्यू करेंगे स्मूथिंग का, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अच्छा से मतलब साइज को छोटा कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, लिप को रेड कर लेते हैं। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एंड इसको हल्का सा कम करके और कहाँ मतलब जहाँ पे छूट गया वहाँ पे क्या कीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे हल्का सा कम करके मर्ज ऑल कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे हम लोग वही ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे जो हम लोग फेस को स्मूथ किए, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से मतलब अपना फेस को क्या कीजिएगा, स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम हार्ड स्मूथ हो रहा है। एंड भाई कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई कितना मतलब मस्त तरीका से यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, ओके। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारा भाई इतना मेहनत करता है तुम्हारा भाई। और वीडियो पर लाइक कर ही देना भाई, अगर चैनल पर नहीं अगर नहीं सब्सक्राइब किया ना तो कर लो भाई, मस्त वीडियो आता रहता है। अगर ना विश्वास हो तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब ना भाई अच्छा अच्छा वीडियो लाऊँगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना। एंड आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, ओके। तो सब्सक्राइब में तो जय हिंद जय भारत, बाय कर ली।